हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप? मैं हूँ ममता। ममता फूड ब्लॉग देसी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने एकदम नई रेसिपी, वो है बैंगन का भरता। चलो अब शुरू करते हैं। बैंगन का भरता बनाने जा रही हूँ, तो मैंने 3 बड़ी साइज में बैंगन लिए हैं। बैंगन के भरते के लिए हमेशा बड़ी साइज, वजन में हल्के और बिना बीज के बैंगन लेना चाहिए, क्योंकि बीज वाले बैंगन से जिनको फतरी की शिकायत या समस्या रहती है उनके लिए नुकसानदायक हैं। बीज में ऑक्जलिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए हमेशा बिना बीज वाले बैंगन लेने चाहिए। हाँ, तो मैंने बैंगन के भरते के लिए मैंने ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, 4 हरी मिर्च लिए हैं, 10 से 12 कली लहसुन के लिए हैं, और ये 2 छोटे टुकड़े में अदरक ली हैं, और 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए। तो इसको हम सबको मिक्सी में ग्रेवी करेंगे। ये देखो, मैंने बैंगन लिए हैं बिना बीज वाले, इसमें बिल्कुल भी बीज नहीं है। ऐसे बैंगन लेने हैं आपको। भरते वाले बैंगन ऐसे ही होते हैं, अंदर से बिल्कुल बिना बीज के हैं, एकदम कच्चे। तो हम बैंगन को अब सेकेंगे गैस के ऊपर तेल लगा के, ऐसे इसकी स्किन तेल से अच्छी सिक जाएगी। हाँ, तो इसको हम चारों तरफ से पलटते रहेंगे और इस अच्छे से सेक लेंगे। हाँ, तो हमारे बैंगन अच्छे से सिक चुके हैं, ये देखो। अब इसको हम छीलेंगे, और ये हमने प्याज मिर्ची टमाटर का ये पेस्ट बना लिया है एकदम दरदरा, और ये लहसुन अदरक को इसको कूट लिया है। इसको हम छील लेंगे, ऐसे अच्छे से छील लेंगे बैंगन को। और देखो, हमारे बैंगन अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम बारीक बारीक कर लेंगे, ऐसे इसमें चक्कू से अच्छे से मसाला बनाएंगे इसका। हाँ, तो हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब डालेंगे हम 1 चुटकी हींग। ये देखो, हमने हींग डाल दिया, और 1 चम्मच के हिसाब से ये जीरा। मैं डालूँगी ये गर्म मसाला, तेज़पत्ता, और इसमें ये दालचीनी है, मोटी इलायची है, ये डाल दिया मैंने। अब डालूंगी मैं ग्रेवी इसके अंदर। अब ग्रेवी को हम तेल में अच्छे से पकाएंगे पहले। अब हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें, ये भी पक जाएगा अच्छे से। इसमें ये मसाला, लाल मिर्च 1 चम्मच। अब इसमें डालेंगे हल्दी। अब हम इसमें डालेंगे ये धनिया पाउडर, जो हमारी छोटी चम्मच है तो 2 चम्मच डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार। अब इसको हम अच्छे से हिलाएंगे और पकाएंगे। हाँ, तो ये हमारा देखो मसाला पक के तैयार हो चुका है। इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रखे थे, ये देखो अच्छे से तेल छोड़ दिया है, यानी कि पक चुका है। अब इसमें डालेंगे हम बैंगन, जो हमने अच्छा ये देखो हमने बैंगन डाल दिए हैं। अब इसको हम मसाले में मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रखेंगे, ताकि अच्छे से और मिक्स हो जाए। हाँ, तो हमारा बैंगन का भरता रेडी हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया, और गैस को बंद कर देंगे। हाँ, तो हरा धनिया ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डालना चाहिए, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। लो जी, हमारा गर्मा गर्म बैंगन का भरता रेडी है, एकदम डिलीशियस। हाँ, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।